एससी वर्मा वेव मोशन एंड वेव ऑन स्ट्रिंग का न्यूमेरिकल 45। अ स्टील वायर फिक्स्ड एट बोथ एंड्स हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 हर्ट्ज। अ पर्सन कैन हियर साउंड ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 14 किलो हर्ट्ज। व्हाट इज द हाईएस्ट हार्मोनिक दैट कैन बी प्लेड ऑन द स्ट्रिंग विच इज ऑडियबल टू द पर्सन। तो ये एक स्ट्रिंग होगी जिसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज और एक पर्सन जिसे सुनाई देता है उससे 14 किलो हर्ट्ज इतनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी तब वो साउंड ऑडियबल है। कौन सा मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा यहाँ पे उसका हार्मोनिक कौन सा होगा कितने हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी होगी इतनी ये हमें फाइंड करना है। मतलब जो फ्रीक्वेंसी होती है कोई भी हायर फ्रीक्वेंसी वो हायर फ्रीक्वेंसी होती है जो हार्मोनिक होगा जो नंबर का हार्मोनिक होगा इनटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए ऑडियबल साउंड के लिए 14,000 हर्ट्स और ये एन वो ये हमें हार्मोनिक फाइंड करना है इनटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें दी है 200। मतलब एन की वैल्यू क्या आएगी 14,000 डिवाइडेड बाय 200। तो एन वो कौन सा हार्मोनिक चाहिए तो ये चाहिए 17 नंबर वाला 17 हार्मोनिक